हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस एंड इट्स टाइप्स, काल और उसके प्रकार। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं, तीन प्रकार के काल होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। इन तीनों टेंस को हम लोग और डिटेल में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन है अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड। ये एक ऐसा टेंस है जो उन कार्यों को दर्शाता है जो हम वर्तमान स्थिति में कर रहे हैं, या वह कार्य वर्तमान स्थिति में चल रहा है, या जिनका होना स्वाभाविक है। जैसे एक अगर हम एग्जांपल लें, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, और ये अभी वर्तमान स्थिति में हम ये कर रहे हैं काम। कब तक करेंगे नहीं पता, लेकिन ये काम कर रहे हैं हम लोग अभी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है आई एम गोइंग, इसकी हिंदी होगी मैं जा रहा हूँ। इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, वर्तमान स्थिति में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है ही राइट्स, वह लिखता है। इसमें काम हो रहा है लिखने का, और वो अभी वर्तमान समय में लिख रहा है, वह लिखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस, भूतकाल। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन डेट हैज़ हैपन्ड। ये वो टेंस है जो उन कार्यों को दर्शाता है जो हम कर चुके हैं या जो बीत चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ाती थी, इसमें काम क्या हो रहा था, पढ़ाने का, और पढ़ाती थी, ये काम हम कर चुके हैं, ठीक पहले का ये काम करके बीत चुका है ये समय, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। तो चलिए इसको भी कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। पहला है ही रोट, रोट राइट का पास्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब है वह लिखा। अब ये जो लिखने का काम है ये हो चुका है, पास्ट टेंस में ही ये काम हो चुका है। और दूसरा है आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, वॉज का मतलब था, तो ये जो जाने का काम है ये भी भूतकाल में हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन डेट हैज़ नॉट हैपन्ड। ये वो टेंस है जो उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो भविष्य में हमारे साथ होगा, जो फ्यूचर में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अब जो काम है पढ़ाने का, ये अभी तक हुआ नहीं है और ना ही ये काम चल रहा है। पढ़ाने जा रही हूँ मतलब मैं फ्यूचर में अभी आपको पढ़ाऊँगी, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस। सो इसको को एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। पहला है ही विल राइट, वह लिखेगा। इसमें जो लिखने का काम है वो अभी होगा, वह लिखेगा, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस। दूसरा है आई विल बी गोइंग, मैं जाऊंगा। तो अभी मैं ना गया हूँ ना जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। ये काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, तो ये है फ्यूचर टेंस। सो गाइज, इन तीनों टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों टेंस के और चार चार टाइप्स होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स, पास्ट टेंस के चार टाइप्स और फ्यूचर टेंस के चार टाइप्स। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।